Oh, hello gorgeous people, hope that your lives are filled with tons of joy and welcome back to my channel, Ritesh Starboy. तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले एक ऐसे कैंसर के बारे में जो गलती से एक बार किसी को हो जाए तो पूरा ब्रह्मांड घूमने के बाद भी उसका इलाज नहीं मिलता। तो ये सुन के तो आप समझ ही लेंगे कि हम कौन से कैंसर के बारे में गुफ्तगू करने वाले हैं। हमारे यूथ भूत और का फेवरेट शो जो एक बार फिर से दर्शकों का गंदा वाला एंटरटेनमेंट करने के लिए आ चुका है, और बहुत ही कठिन संघर्ष और ठुकाई के बाद फाइनली बिग बॉस सीजन 14 हमारे आंख और कान दोनों में हगने और रंगीन चैनल पे कैंसर फैलाने के लिए आ गया है। ओह, और कंटेस्टेंट्स की तारीफों में तो मैं क्या ही बोलूं, तारीफों के पुल कम पड़ जाएंगे पर फिर भी कुछ ना कुछ शब्द छूट ही जाएंगे। तो यार, बिग बॉस के घर में कुछ अच्छा हो ना हो पर घर के सदस्य वो बड़े जबरदस्त और चुनिंदा आते हैं। चलिए अब आपको मिलवाते हैं मेरे ऑल टाइम घर के फेवरेट सदस्यों से, जिन्होंने अपने सीजन में जो हगा उसकी सफाई आज तक सलमान भाई और बिग बॉस के मेकर्स कर ही रहे हैं। तो जी, लिस्ट में सबसे पहले आते हैं मेरे और पूरे देश के मनपसंद कैरेक्टर मुत्तु स्वामी ओम, जिनके नाम के पीछे एक छोटी सी कहानी है। देखो देखो, शिट, ये क्या है? तो जी, इन महापुरुष ने अपने जीवन में ऐसे ऐसे काम करे जिन्हें देख के हमारे आंखों से आंसू निकल जाएंगे। यार, अब मैं कैसे बताऊं? हमने महात्मा गांधी को गोली मारी थी, मनमोहन सिंह को हमने घर में घुस करके पीटा, प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त। अरे तू क्या मारेगी, तू क्या मारेगी मुझे? तो जी, लिस्ट में दूसरे नंबर पे आती है हमारी वन एंड ओनली खली की बहन डॉली, जिसकी तारीफ में मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। इतना बोलना चाहूंगा कि घर में भी कई बार इसने विस्फोट करा है और मुझे लगता है रियल लाइफ में भी चलती फिरती कहीं भी फट जाती होगी, क्योंकि एक जीता जाता एटम बम से कम नहीं थी। चिल्लाओ नहीं, पापा बोला नहीं। तो जी, अब आता है तीसरा नंबर जिसमें मेरी पर्सनल फेवरेट है, जिन्होंने पागल खाने से भगे हुए मरीजों को भी कई मील दौड़ में पीछे छोड़ दिया, जिसके किस्से विदेशों तक पहुंच गए थे, अभी बीच में वायरल हुई थी बहुत ये, और जिसका पागलपंती और मुंह से हगने के सिवाय काम नहीं है कोई दूजा, नाम है उसका वन एंड ओनली पू 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 पूजा। देखो, तो जी, और भी मेरे कई मनपसंद सदस्य हैं जिनको मैं अगर एक्सप्लेन करने बैठा तो ये वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी, तो एक बार पलक झपक लो क्योंकि तुम्हें अब आगे मौका नहीं मिलने वाला। मूत छिड़कते हुए ढोंगी बुढ़े, शिट, ये क्या है? जुए और लिखे साफ कराती हुई कन्या, पागलपन और ओवर एक्टिंग में PhD करी हुई महिला, मुझे धोखा दिया, जनाब मुझे निकाल दो, मैंने नहीं रहना यहाँ पे, ये ड्रामा, ये नाटक मेरे सामने मत करना, समझे? नहीं रहना यहाँ पे। बोतलें फेंक के मारते हुए संकी, इतना मारूंगा मार तेरा बाप भी याद करेगा, समझा? गला फाड़ती हुई औरतें, काय को दो अभी तेरे जैसे को जो बात करने की तमस नहीं है, देखो कैसे बात करता तू, बाप का तेरा भी नहीं है। प्यार बरसाते हुए सस्ते और टेम्पररी कपल्स, और मुंह पे गोबर मारते हुए व्यक्ति, अरे आजा बहन तेरे को गोबर खिलाता हूँ। One, two, three, four. तो जी, ये थी पुराने सीजन्स में आए कुछ चिड़ियाघरों से भगे हुए घर के सदस्यों की तारीफ में चंद अल्फाज। अब जरा लेटेस्ट चीजों के बारे में भी कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। तो जी यार, जैसा हम जानते हैं कि बिग बॉस एक बार फिर से नया सीजन लेके रंगीन चैनल के रंग उड़ाने के लिए आ चुका है, जिसमें लगता है इस बार सिर्फ सास बहू और साजिश ही होने वाली, क्योंकि इस बार के कंटेस्टेंट्स इतने बेहतरीन है।
तो यार बहुत हो गई इनकी तारीफ, थोड़े शब्द मैं अपने लिए भी बचा लूं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर कर दो यार ज्यादा से ज्यादा बंदों तक, स्पेशली बिग बॉस वालों को तो शेयर कर ही डालो। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटा जरूर बजा देना ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन तुम्हारे पास सबसे पहले पहुंचे, वो भी चीते की रफ्तार से। बाकी यार मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मौज लो, हंसते रहो, हंसाते रहो और डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, पर डोंट ट्रबल योर मदर। लव यू गाइस सो मच। अरे बिग बॉस के घर में जाने के लिए क्या करना पड़ता है थे? थोड़ी सी गालियाँ सीख लो अंग्रेजी वाली और कुछ महीनों के लिए पागल खाने में दाखिला ले लो। और फिर तुम तैयार है क्या? और क्या, फिर तुम बिग बॉस के घर में जाने के लिए परफेक्ट कैंडिडेट बन जाओगी।